हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुशिका एजुकेशन। इस वीडियो में हम आपका देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2018 आपका कहां पर हुआ है? ये हुआ है रशिया में। ठीक है, कहां पर हुआ है? रशिया में हुआ है। होस्ट कंट्री रशिया है। देन ऑफिशियल मास्कोट क्या है? ऑफिशियल मास्कोट है जब्विका। ठीक है, अब ये जब्विका क्या है? ये है एक प्रकार की लोमड़ी। ठीक है, और इस लोमड़ी का नाम ही जब्विका है। यही फीफा वर्ल्ड कप 2018 का ऑफिशियल मास्कोट है। देन अगर क्वेश्चन आता है कि फीफा वर्ल्ड कप अब की बार किसने जीता है, ये जीता है फ्रांस ने। ठीक है, फ्रांस ने ये दूसरी बार जीता है। पहली बार इन्होंने 1998 में वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट है आपका, ये कब से कब तक खेला गया है? ये खेला गया है 14 जून से लेके 15 जुलाई। इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया है? 32। ठीक है, कितने वेन्यू थे, कितनी जगहों पर खेला गया है? 12। ठीक है, लास्ट मैच, क्योंकि फाइनल मैच है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है वहाँ की जगह, तो कहाँ पर हुआ है उस स्टेडियम का नाम? ठीक है, फाइनल मैच हुआ है आपका 15 जुलाई को। ठीक है, और इस स्टेडियम का नाम क्या है? लुज़्निकी स्टेडियम इन मॉस्को। ठीक है, लुज़्निकी स्टेडियम इन मॉस्को। ठीक है, अभी क्वेश्चन अगर आता है कि फ्रांस ने किसको हराकर फीफा वर्ल्ड कप जीता है, तो आंसर है आपका क्रोशिया। रनर अप कौन थे? क्रोशिया। क्रोशिया आज तक की सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है। ठीक है, जिसने वर्ल्ड कप के फाइनल में एंटर किया है। ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में एंटर किया था। काफ़ी छोटी कंट्री है। ठीक है, एंड इन्होंने पहली बार वर्ल्ड कप के फाइनल में एंटर किया है। अब थर्ड प्लेस किसने लिया है? बेल्जियम ने। फोर्थ किसने लिया है? इंग्लैंड ने। नेक्स्ट आपका, कितने मैच खेले गए हैं? ये खेले गए हैं 64। ठीक है, गोल कितने हुए हैं? 169। ठीक है ना। अब आता है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो कि अवार्ड। कौन सा अवार्ड किसको मिला है? गोल्डन बूट अवार्ड, जो कि टॉप गोल स्कोरर को मिला है, वो है इंग्लैंड के। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि जो हैरी केन है, जिनको गोल्डन बूट अवार्ड मिला है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसलिए हमें कंट्री याद रखना भी ज़रूरी है। आपका पीजीटी एग्ज़ाम के किसी पेपर में आया हुआ था कि किस बंदे ने कितने गोल स्कोर किए हैं, तो ठीक है, तो यहाँ पे ये गोल भी याद रखना ज़रूरी है। उन्होंने 6 गोल स्कोर किए हैं, तो टॉप गोल स्कोरर का गोल्डन बूट अवार्ड मिला है उनको। किसको मिला है? इंग्लैंड के हैरी केन को। नेक्स्ट है आपका गोल्डन बॉल अवार्ड। ठीक है, गोल्डन बॉल अवार्ड बेस्ट प्लेयर को मिला है ये आपका। ठीक है, तो किसको मिला है ये? ये है क्रोशिया के लुका मोड्रिक। बेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है? क्रोशिया के लुका मोड्रिक। नेक्स्ट है आपका गोल्डन ग्लोव अवार्ड, यानी कि गोल्डन ग्लोव अवार्ड यानी कि बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड किसको जाता है? ये है बेल्जियम के थाबोट कोर्टियस। ठीक है, थाबोट कोर्टियस इनको जाता है। देन बेस्ट यंग प्लेयर। ठीक है, बेस्ट यंग प्लेयर जो हैं वो हैं फ्रांस के। ठीक है, केलान माबापे। ठीक है, केलान माबापे ये मिला है बेस्ट यंग प्लेयर का, इनको ये अवार्ड मिला है। देन फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है स्पेनिश फुटबॉल टीम को। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका, अब आपका जो ये गेम हुआ है उसमें आपके येलो कार्ड इशू किए गए हैं, जो कि माइनर पेनल्टीज़ के लिए लगाए गए हैं। रेड कार्ड मेजर पेनल्टीज़ के लिए लगाए हैं। अगर 2 येलो कार्ड होते हैं तो वो बन जाता है 1 रेड कार्ड। अगर आपसे इन्फॉर्मेशन पूछ लेते हैं कि कितने येलो कार्ड जारी हुए हैं, तो 219। ठीक है, 219। एंड कितने रेड, तो आपका आ जाएगा 4 रेड कार्ड। ठीक है ना। देन फ्रांस ने, आपको पता है कि दूसरी बार जीता है ये। पहली बार कब जीता था? 1998
2008 में, आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। देन है आपका, दो बार जीतने वाली और कौन सी कंट्री है, एक अर्जेंटीना और एक आपकी उरुग्वे, इन दोनों ने भी दो दो बार जीता हुआ है, तो दो बार जीतने वाली होगी फ्रांस, उरुग्वे एंड अर्जेंटीना। अब आपका क्वेश्चन उठता है कि सबसे ज़्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता है, ये जीता है ब्राज़ील ने, वो 5 बार जीत चुके हैं, एंड जो जर्मनी है और इटली है, उन्होंने दोनों ने 4 बार जीता है, ठीक है, जर्मनी ने भी 4 बार जीता है और इटली ने भी 4 बार जीता है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो शायद नहीं आएगा, बट स्टिल हम कवर करके चलते हैं कि सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन थे, ठीक है, ये अब तक के भी ओल्डेस्ट हैं, तो ये हैं गोलकीपर एसाम एल हादरे, ठीक है, एसाम एल हादरे ये ओल्डेस्ट प्लेयर थे, ठीक है, इनका जन्म हुआ था इजिप्ट में 15 जनवरी 1973 में, ये 25 जून 2018 को जब खेल रहे थे तो 45 ईयर्स 161 डेज के थे, ठीक है। अगेन एक बार रिपीट कर लेते हैं, ओल्डेस्ट प्लेयर हैं, इनका नाम है एसाम एल हादरे, ठीक है, इजिप्ट में पैदा हुए थे और ये कितने साल के थे, यानी कि जब खेल रहे थे 45 ईयर्स 161 डेज के, ठीक है। नेक्स्ट हम जो कि हमने आपका यंगेस्ट प्लेयर का जो अवार्ड मिला है वो आपका किसको गया है, केलान माबापे को दिया गया है, लेकिन ये आज तक के यंगेस्ट नहीं है, ये सेकंड यंगेस्ट हैं, ठीक है, रिवाइज हो गया आपका। अब आज तक के यंगेस्ट कौन हैं, ये हैं नॉर्मन व्हाइटसाइड, ठीक है, इन्होंने 17 जून 1982 में खेला था और उस टाइम ये कितने साल के थे, ये थे 17 ईयर्स 42 डे के, ठीक है, ये आपसे इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है। अब आपसे अगर ये भी पूछ लें कि एक एक बार आपका स्पेन ने और इंग्लैंड ने भी एक एक बार वर्ल्ड कप जीता हुआ है, अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछते हैं जो कि मोस्ट टाइम रिपीट होता है, तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है, ये होने वाला है कतर में, ठीक है, ये पहली अरब कंट्री है, फर्स्ट अरब कंट्री है जो कि आपका वर्ल्ड कप होस्ट करेगी, ठीक है, एंड ये पहली ही मिडल ईस्ट रीजन की कंट्री है, ठीक है, फर्स्ट टाइम आपका मिडल ईस्ट रीजन में वर्ल्ड कप होने वाला है। तो ये था आपका पूरा फीफा के बारे में इन्फॉर्मेशन। यहाँ से क्योंकि देखो कॉमनवेल्थ गेम से आपके काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके TGT के एग्ज़ाम होंगे तो फीफा वर्ल्ड कप में से भी आपके क्वेश्चन आएंगे, या फिर बाकी के कोई और एग्ज़ाम होंगे उनमें भी ज़रूर आएंगे, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है ये गेम, ठीक है, तो डेफिनेटली ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसकी जो आपकी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, जो भी इसके अवार्ड हैं और कहाँ पर ये हुआ था, और वैसे भी ये इनका जो वेन्यू होता है कि कहाँ पर ये होने वाला है वो तो हमेशा इम्पोर्टेंट रहता ही है, वो तो आपका किसी भी एग्ज़ाम में कभी भी पूछ लेते हैं। तो ये था आपका पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी वीडियो, एंड जो ये हम एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पर वीडियो डाल रहे हैं आपको कैसी लग रही हैं, एंड प्लीज़ एक और बात कि आपको करंट अफेयर डेली बेसिस पे चाहिए या फिर जैसे चल रहा है फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, इस तरीके से एक वीक में एक बार करंट अफेयर डालें। थैंक यू गाइज़।